हे वेलकम बैक टू डीवी स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 30x60 feet हाउस की, जिसका स्क्वायर फीट में एरिया है 1800 एंड गज में बात करें तो 200 गज का एरिया है। आप लोगों ने इतनी कमेंट की थी 30x60 पर वीडियो बनाओ, तो ये रही आपके लिए 30x60 की वीडियो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है और काफ़ी मेहनत भी लगी है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। इसको हमने ओवरऑल 4 BHK में बनाया जो कि G+1 है। अगर फेसिंग की बात करें तो ईस्ट फेसिंग है, जिसमें कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर 1 BHK दिया है। पार्किंग है इसमें, ओपन एरिया है, सारे एरिया वेल वेंटिलेटेड हैं। इसमें फर्स्ट फ्लोर पर अगर हम बात करें तो 3 बेडरूम मिल जाते हैं, फैमिली लॉन्ज एरिया मिल जाता है एंड बड़ी बड़ी इसमें बालकनीज भी मिल जाती हैं। इसके बाद टेरेस पर यहाँ पर हमने स्विमिंग पूल दिया है एंड परगोला सिटिंग दी है एंड ग्रीन एरिया काफ़ी ज़्यादा दिया है। तो आगे चल के देख लेते हैं इसकी डिज़ाइनिंग एंड इन प्लान के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ जाके आप इसकी PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और सारे साइजेस देख सकते हैं। घर पूरा मॉडर्न लुक में डिज़ाइन किया हुआ है, आप यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी यूनिकली डिज़ाइन किया हुआ है कलर कंट्रास्ट के साथ। इसमें तीनों साइड अदर्स प्रॉपर्टी हैं, तो हमने इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन एरिया दिया है और ऑफसेट छोड़ के, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया मिले, बालकनीज मिले। यह हमारा वेस्ट फेसिंग पड़ता है एंड साउथ फेसिंग। एंट्री करेंगे गेट से तो हमें सबसे पहले मिल जाएगी पार्किंग। आप एक कार और एक बाइक आराम से पार्क कर सकते हैं, काफी सही साइजेस हमने पार्किंग के रखे हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रंट लॉन मिल जाता है जो कि साइड वाली ऑफसेट से कनेक्टेड है। पार्किंग से घर में एंटर करेंगे, एंट्री करते ही यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा ड्राइंग रूम हमारा। काफ़ी क्लासिक डिज़ाइंस हैं, कलर कंट्रास्ट आप देख सकते हैं। फॉल सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया फॉर 6 people। ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग एरिया से आगे चलेंगे लेफ्ट में, ये आपको मिल जाती है बैक साइड में ही किचन, मतलब ड्राइंग रूम के बैक साइड में किचन मिल जाती है। तो काफ़ी सही जगह इसको प्लेस किया गया है, वास्तु के अकॉर्डिंग है सब कुछ। ये किचन को यू शेप में रखा गया है, इसको एल भी कर सकते हैं अगर हमें और खुला स्पेस चाहिए तो, बट हमें काफ़ी स्पेस मिल गया है यहाँ पर। ये आप देखेंगे किचन से ही कनेक्टेड है हमारा यूटिलिटी एरिया और वॉशिंग एरिया इसको कह सकते हैं, आराम से यहाँ पर कुछ भी काम हम कर सकते हैं। किचन से आगे चलेंगे तो ये हमारे कुछ डोर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट में यहाँ पर हमें मिल जाता है कॉमन वॉशरूम, जो कि गेस्ट आता है उसके लिए काफ़ी यूज़ आता है। कॉमन वॉशरूम से चलेंगे, यहाँ पर हमारा सामने ही एक मिल जाता है सबसे पहले बेडरूम नंबर 1। गेस्ट बेडरूम की तरह हम यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास 3 बेडरूम और हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये आप देखेंगे बैक साइड में चलेंगे विंडो के साथ, यहाँ पर वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है विद बिग मिरर। इसी के साथ अटैच वॉशरूम मिल जाता है। बेडरूम 1 से बाहर चलते हैं।
तो यहाँ पर सामने आपने एक एरिया देखा होगा, ये हमारा लिविंग एरिया है। तो यहाँ पर हम सिटिंग कर सकते हैं, बैक साइड है, विंडोज काफ़ी दी हैं, स्लाइडिंग डोर्स दिए हैं ग्लास के ताकि ओपननेस फील हो। टीवी यूनिट प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर फॉल सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। स्लाइडिंग डोर से बाहर की तरफ देखेंगे, ये बैक साइड ऑफसेट है, वेस्ट फेसिंग पड़ जाता है आपका। यहाँ पर हमने सिटिंग की हुई है, डेक एरिया है ये हमारा, ये आप देख सकते हैं फ्रंट से कनेक्टिविटी ऑफसेट की, एंड ऊपर की साइड आप देख सकते हैं कितना ओपननेस फील होगा। वापस चलते हैं अपने घर के अंदर। यहाँ हमारा ख़त्म हुआ ग्राउंड फ्लोर का टूर, ये हमने दिखाए थे सारी चीज़ें, यूटिलिटी एरिया, किचन, लेफ्ट में था हमारा डाइनिंग एंड लिविंग एरिया। और बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेयर्स के साथ एक डोर मिलेगा, ये हमारा स्टोर रूम टाइप यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स प्लेस कर सकते हैं, पानी की मोटर वगैरह प्लेस कर सकते हैं, उनके लिए भी हमें जगह चाहिए होती है। स्टेयर्स से ऊपर चलते हैं, हम आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। स्टेयर्स में भी विंडो हैं, बाहर की साइड हैं स्टेयर्स, तो उनकी एंट्री पार्किंग से भी रख सकते हैं हम, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें आपको। स्टेयर्स इसीलिए हमने बाहर रखे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते ही यहाँ पर हमें मिल जाता है फैमिली लॉन्ज एरिया, जो कि स्लाइडिंग डोर हमें दिया हुआ है। यहाँ पर बालकनी भी है एक हमें मिल जाती है। यहाँ पर हमें पूजा एरिया मिल जाता है, ईस्ट को फेस करता हुआ, बेस्ट फॉर वास्तु। ये हमारी कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है हमें यहाँ पर फैमिली लॉन्च के एरिया में। वापस चलते हैं, यहाँ पर मैं बाहर की तरफ एक और बालकनी दिखाऊंगा जो कि हमारी स्टेयर्स के साथ ही है। तो इस बालकनी में एंट्री आती है अगर हम स्टेयर्स से बाहर से एंट्री देते तो, ये भी काफ़ी बड़ी बालकनी हमें मिल जाती है। वापस चलते हैं इस बालकनी से घर के अंदर, आ गए हम अपने फैमिली लॉन्ज एरिया में। इसी से हमें एंट्री मिल जाती है हमारे बेडरूम नंबर 2 में। तो ये बेडरूम में हमें कबर्ड मिल जाती है, ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, टीवी यूनिट मिल जाता है, सारी नीड्स फुलफिल हो गई हैं। इसके बाद आप ये देखेंगे ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर ड्रॉर्स वगैरह सब आपकी स्टोरेज फुलफिल हो जाती है यहाँ पर। इसी के साथ लास्ट चीज़ जो कि आपकी हमेशा रिक्वेस्ट होती है, अटैच वॉशरूम, तो यहाँ पर अटैच वॉशरूम भी मिल जाएगा। बाहर चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 से, आ जाएंगे हम अपने फैमिली लॉन्ज एरिया में। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें एक पहले कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा जो कि हमारे नीचे वाले कॉमन वॉशरूम के जस्ट ऊपर है, सेम साइज है बिल्कुल। कॉमन वॉशरूम इसलिए देते हैं गेस्ट के लिए, बाहर बैठे हैं ताकि बेडरूम में ना जाना पड़े, प्राइवेसी ब्रेक ना हो हमारी। इसी टॉयलेट के सामने एक और बेडरूम मिल जाता है, बेडरूम नंबर 3। सब मॉडर्न लुक में डिज़ाइन किए हुए हैं, बड़ा टीवी यूनिट मिल जाता है यहाँ पर, एंड वही बैक साइड विंडो के साथ हमें यहाँ पर वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है, ड्रेसिंग मिरर मिल जाएगा एंड अटैच वॉशरूम। बेडरूम नंबर 3 से बाहर चलेंगे, ये हमारा हॉल टाइप एक बीच का स्पेस आ जाता है। देन हमें मिल जाता है बेडरूम नंबर 4। ये बेडरूम हमारे लिविंग एरिया के जस्ट ऊपर है, यहाँ पर विंडोज, स्लाइडिंग डोर सब मिल जाते हैं, काफ़ी लाइट्स इसमें एंटर होती हैं। डिज़ाइनिंग देख सकते हैं आप सारी इसमें,
स्लाइडिंग डोर से बाहर देखेंगे तो ये हमें मिल जाता है एक बालकनी एरिया, जो कि हमारे नीचे वाले डेक के ऊपर ही है। ये पूरी कनेक्टेड है एल शेप में बालकनी, एंड नीचे हमारा वही डेक एरिया एंड ऑफसेट। तो सारे स्पेसेस इसमें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अंदर चलेंगे तो यहीं पर हमारा फर्स्ट फ्लोर का टूर खत्म हुआ। स्टेयर्स से ऊपर चलते हैं तो हमारा आ जाएगा टेरेस गार्डन स्विमिंग पूल एरिया। टेरेस पर एंट्री करते ही यहाँ पर आपको काफी बड़ा टेरेस मिल जाता है। स्टेप से चढ़ेंगे तो ये हमें यहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया मिल जाता है। काफी अच्छा एरिया मिल गया है यहाँ पर हमें ये, तो काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट भी थी स्विमिंग पूल दो, तो ये रहा आपका स्विमिंग पूल। ये हमारा यहाँ पर शॉवर एरिया है, स्विमिंग पूल के बाद शॉवर भी चाहिए होता है लोगों को। आगे चलते हैं स्विमिंग पूल से, यहाँ स्टेप से नीचे उतरते हैं तो ये हमारे मिल जाते हैं यहाँ पर परगोला सिटिंग, जो कि रूफ हमारी सॉलिड है यहाँ पर, कोई इसमें गैप्स नहीं छोड़े हैं हमने, कोई बारिश का कोई सीन नहीं है। आगे की साइड देखेंगे यहाँ पर काफ़ी खुला स्पेस यहाँ पर मिल जाता है ग्रीन ग्रासेस के साथ, प्लांटेशन के साथ। तो यही था हमारा 30x60 feet हाउस का डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना एक, एंड अभी तक आपने डीवी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी ही डिज़ाइनिंग वीडियोस हर वीक आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।